हेलो एवरीवन, अगेन दिस साइड अनुभव चतुर्वेदी एंड यू आर वाचिंग नेट हाईटेक। सो व्यूअर्स, एज मैंने पहले भी बोला था कि हमारी सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। और ये वीडियो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाई चैम पे 1, 2, 3, 4 हमारे पुराने 4 फाइलें खोल के रखी हुई हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मैंने मॉडल्स ढूंढे, डेटा ढूंढा और उसके हिसाब से ये देखा कि अभी तक का बेस्ट मॉडल कौन सा है जार्विस का, जिसे हम अपने इस फाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो बाकी मॉडल्स हैं उसमें कमियां क्या क्या हैं, सारा कुछ कवर करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, इसमें मैं आपको कोई कोड नहीं प्रोवाइड करूँगा, बट आपको मैं एक्चुअली बता दूंगा कि आपको कौन से कोड यूज़ करने हैं अपने जार्विस में और कौन से नहीं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जो मैंने ब्रेन बनाया है, पुराना हम जो ब्रेन यूज़ करते आ रहे हैं बहुत पहले टाइम से, या यूट्यूब से जहाँ से भी हमें ये मिलता है, वो डेटा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। और जब हम इसे रन करते हैं ना, तो हमारे पास इशू क्या आता है। पहली चीज़, जो हमारी चैट जीपीटी की एपीआई है वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जा रही है। जो ऑटोमेशन कर रहे हैं चैट जीपीटी से और रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। अब मुझे ये बताओ गाइस आप, कि अगर मैं ये बोलूँ जार्विस से कि जार्विस इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और जार्विस अगर वो मुझे यूट्यूब से या फिर चैट जीपीटी पर टाइप करके उससे स्पीक करा दे, तो भी मुझे डेटा से मतलब है, है ना। और अगर मैं ये बोलूँ कि भाई वो स्टोर करा, मतलब आप जनरली दिमाग में ये सोचो कि इतना डेटा हम स्टोर करा के क्या करेंगे। अगर हम 500 लाइंस का भी डेटा स्टोर कराएं जो कि हमारे बारे में हो, ठीक है, और दुनिया के बारे में ना हो। अभी मुझे ये बताओ, अगर आप पूछते हो व्हाट इज़ द, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अब आप पूछते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसने बता दिया, स्टोर भी कर लिया। अब मुझे ये बताओ, आप लाइफ में कहीं ये फिर से पूछोगे कि व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक लिमिटेड टाइम तक के लिए। और आप ये अपना जार्विस कहीं पब्लिश तो नहीं करने जा रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए है, बिकॉज सबका पर्सनल असिस्टेंट कभी भी पब्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम उसमें पर्सनल डेटाज डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग से हटा दो कि आप उसमें पूरा दुनिया भर का डेटा डाल सकते हो एक साथ। और फिर मैं आपको बताता हूँ ना, अगर जो लोग बहुत बड़े बड़े लाइंस के कोड लिखे हैं, मैंने उनके भी कोड्स को दिखाया है और उनको भी बताया कि उनमें क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो चलो बिना देरी के मैं क्या करता हूँ, पहला मॉडल दिखाता हूँ। गाइस, आपको इंटरनेट पे एक दो वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपको ये 7300 समथिंग की लाइन मिल जाएगी कोड की, ठीक है, और ये डेटा मिलेगा आपको जेसन फाइल का और इसका ये वाला मॉडल मिलता है, ठीक है। अब इस मॉडल की मैं वीकनेस बताता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, ये यूज़र। एक तो पहली चीज़, ये स्लो है हल्का, आप देख सकते हो थोड़ा सा ये स्लो है। दूसरी चीज़, अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लिखता हूँ हाय, ठीक है, इसने टेक केयर करके लीव कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, वाइल लूप लगा देता हूँ ताकि मुझे बार बार वो ना करना पड़े, ठीक है, वाइल ट्रू, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हमारा एक्चुअल में, हमने इसमें फंक्शन तो नहीं डाला है बट कोई बात नहीं, मैं ये पूरा डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ से कट करके और इसे नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। जैसे यूज़र आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है यूज़र, मैं इस पर हाई लिखूँगा, सी यू, हेलो लिखता हूँ, हेलो, हेलो का मतलब ये स्पेनिश में, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, टेक केयर। अभी मैं बोलता हूँ कुछ और, What is your name? ठीक है, You can call me Jarvis, ठीक है, अभी देख लो, What is you? I am Jarvis, ठीक है, created by Mr. Zeno, ये मेरा ही डेटा है जो मुझे दे रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ इसे, कुछ चीज़ें बताता हूँ, What is your favorite color? ठीक है, इसने क्या बोला, आई एम स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड, मतलब कुछ भी दे दिया, ठीक है। वॉट इज योर फेवरेट बुक, ठीक है, आई एम स्लीपिंग, मतलब देखा इसने क्या किया ना, ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे भी मैंने फेवरेट चीज़ डाल रखी है ना, और मैंने कलर डाला, बुक डाला, वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ मुझे एक ही रिस्पॉन्स दिए जा रहा है,
और उसके लिए मुझे क्या करना होता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है कि मैं जो इसमें डाल के रखा हूँ ना ये इनपुट्स, ये मुझे ऐसे ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने बहुत सारी इस पर चीज़ें डाल के रखी थी, जारवेस कैसा फील कर रहा है या फिर कुछ भी, बट वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि मतलब एक्चुअल में ये मॉडल एक तरह से फेल है, ठीक है। उसका रीज़न भी मैं एक टाइम पे बता दूंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस इसके पास डेटा बहुत है, बट ये जब दो डेटा एक साथ कंबाइन होते हैं ना तो ये कोलैब कर जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो इस पे रिस्पॉन्ड करे या इस पे रिस्पॉन्ड करे, सबसे बड़ा इशू आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डेटा और ये मॉडल फेल है। ओके, चलो नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। अभी ये हमारा ट्रेन टू मॉडल है, ये मैंने बहुत पहले अपने जारविस के 3 पॉइंट वाले वर्जन में बनाया था, ठीक है। एक ये मॉडल है, ये मॉडल गाइस फेल है बिकॉज यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये ट्रेन कराने के बाद ना इस ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये रिस्पॉन्स करने के बाद हेलो है के बाद ये चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी का यूज़ किया है, फिर भी ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी, हाँ ये वही लाइब्रेरी है जिसमें हमने चैट जीपीटी तक को ट्रेन करा था, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग डॉट दूसरा मॉडल है, ये भी एक टाइम के बाद चलना बंद हो जाता है। मैं इनको रन करके दिखा देता हूँ, ये देखो एक टाइम के बाद ना ये लोड ही नहीं कर पाता है फाइल को, यहाँ पे क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता, एक टाइम तक चलेगा डिटेक्ट ही नहीं हुआ। बहुत सारे मॉडल्स पड़े हैं गाइस ऐसे, और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला मॉडल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मॉडल जो मैं यूज़ कर रहा था बहुत पहले ब्रेन के बाद भी, वो ये वाला मॉडल है जो अभी मैंने रिसेंटली डेवलप किया है, और इसमें हम Q&A की ये वाला डेटा देने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला डेटा देने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है। ये डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है बट मैं इसे ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम, और इसीलिए मैं ले रहा हूँ इस वीडियो का ब्रेक, और अगले वीडियो पे मैं आपको पूरा मॉडल समझा दूंगा जिसमें मैं बड़ा सा डेटा भी दूंगा। यहाँ पे 500 समथिंग लाइन का ये कोड है, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, इसके लॉसेस बताता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा हाय। हाय लाइना, इट्स नाइस टू मीट यू। हेलो जार्विस। Hello. I am Jarvis and I am an artificial intelligence created by Mr. Zeno to manage or control his PC. ठीक है। I do not have a girlfriend, but I do have one friend named Friday, also created by Mr. Stank. ठीक है। इसने ये डेटा भी देख लिया, कवर कर लिया। अब मैं और इससे पूछता हूँ, जैसे Kariminati is an Indian YouTuber, streamer and rapper from Faridabad, India. ठीक है, इसके पास मैंने जितना डेटा डाला है मैं इसको बोलता हूँ बाय। Hello, I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, sir. ठीक है, मैं जितने डेटा चाहूँ ना उतना डेटा डाल सकता हूँ, पूछता हूँ नेट हाइट है। Yes, I know this is your YouTube channel. You have 1.72k subscriber in your channel. Who are you? Hello. I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? ठीक है, तो ये डेटा मेरे अकॉर्डिंग गाइज सबसे परफेक्ट है, और ये मॉडल भी सबसे परफेक्ट है अभी तक का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये वाली फाइल को हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देना है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं पूरा मॉडल आपको समझाऊंगा, पूरा मॉडल लेके आऊंगा जैसा वीडियोस था, साथ ही ये दोनों फाइल भी दूंगा आपको, बट मैं ये फाइल अभी और बड़ी करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आज का टाइम चाहिए, मैं आपको कल इसी टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। और गाइस मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है, सीरीज फॉलो करते जाओ। मैं बता रहा हूँ ऐसा जारवेस और इजी वे, मतलब हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं ना, इतना बड़ा जारवेस का ये इशू है ही नहीं इतना बड़ा जिसे बनाया जा रहा है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड करके उसे चैट जीपीटी से ऑटोमेट करके सेलेनियम का यूज़ करके, गाइस बहुत बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। आप इसे एक दिन ऑटोमेट कर दोगे, चैट जीपीटी ओपन आई हर दूसरे दिन उसकी कुकीज चेंज हो जाती है, ठीक है, फिर उसे आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, ये मॉडल मैं आपको दे दूँगा, अगर आपको कोई और भी मॉडल बेटर लगता है तो आप इसकी जगह ब्रेन की जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही मैं ये भी बताऊँ कि इस वाले का एडवांटेज क्या होगा, वो ये होगा गाइस कि हम पहले इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मैंने इस तरह से ब्रेन बनाया है, ये करेगा क्या ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा ये, अगर इसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी इस फाइल में है तो पहले रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है। और रिस्पॉन्स कैसे करो, विद द हेल्प ऑफ मॉडल।
फिर दूसरी चीज़ क्या करना, अगर उस पर नहीं है, अगर हमारा मॉडल बोलता है कि आई डोंट नो दिस, उस केस में आप पूछ लो किससे, विकिपीडिया से। फिर अगर उस केस में भी विकिपीडिया के पास भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देन उस स्टेज पे गूगल में सर्च कर दो, ठीक है। ये होता है हमारा टोटल सर्च इंजन बनाए। तो हम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस मॉडल को भी करेंगे और फिर फाइनली हम अपना मेन फंक्शन बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा ब्रेन बनेगा नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं विथ एडवांस मॉडल विथ जार्विस ब्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।